क्या क्या चीजें हमको ध्यान में रखनी है पेपर के रिलेटेड वो सारी चीजें आज हम डिस्कस करेंगे टुडे अगर आपको किसी भी चैप्टर्स में कोई भी कंफ्यूजन है तो प्ले में ऑलरेडी सारी चीजें अवेलेबल है अब हम लास्ट मोमेंट में क्या कर सकते हैं क्या ऐसी चीजें हमें ध्यान में रखनी है जो हमें कल के पेपर में जाके ये सारे मिस्टेक्स अवॉइड करने हैं बिकॉज यूजुअली ऐसे होता है कि लास्ट मिनट में हम जो जो चीजें पढ़ते हैं एंड हम जब पेपर में जाते हैं तब हम कुछ सिली एरर्स कर लेते हैं हम कुछ सिली मिस्टेक्स कर लेते हैं तो यू शुड नॉट डू दिस काइंड ऑफ सिली मिस्टेक्स जो जो आज हम डिस्कस करेंगे कौन से क्वेश्चन को आपको पहले अटेम्प्ट करना चाहिए कौन से क्वेश्चन को आपको लास्ट में रखना चाहिए सारी चीजें हम डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं सिर्फ आपको एक चीज करना है तुरंत इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स में शेयर करना है बिकॉज आप जितना ज्यादा इसको शेयर करेंगे उतना ज्यादा इस वीडियो का बेनिफिट सबको मिल पाएगा तो बहुत सारे बच्चों को फाइनेंशियल अकाउंटेंसी का जो पेपर होगा कल उसमें बहुत सारी क्वेश्चंस अपने माइंड में आ रहे होंगे एज वेल एज ये आपका बोर्ड का फर्स्ट पेपर है टीवाई बी कॉम सेमिस्टर फाइव का तो किस तरीके से हमको इसमें फोकस करना है

कल के पेपर में मिल सकता है तो थोड़ा सा एक ओवरव्यू लेते हैं थोड़ी सी चीजें डिस्कस करते हैं देन लास्ट ईयर के पेपर में किस तरीके से क्वेश्चंस आए थे उसके बारे में भी एक एक करके डिस्कशन करना स्टार्ट करते हैं तो अगर आपको ये मेरा इनिशिएटिव अच्छा लग रहा है अगर आपको लग रहा है कि कल का कॉस्टिंग का भी इसी तरीके से आपको सेशन चाहिए तो वीडियो को आप लाइक करना ना भूले तो जल्द से जल्द स्टार्ट करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट सबसे पहले जो क्वेश्चन आपको पेपर में पूछा जाता है दैट इज ऑब्जेक्टिव सो विल बी द फर्स्ट क्वेश्चन एंड सिंस ऑब्जेक्टिव इज द फर्स्ट क्वेश्चन यूजअली स्टूडेंट्स डू वॉट स्टूडेंट्स अटेम्प्टी ऑब्जेक्टिव एट द लास्ट बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं में क्वेश्चन रखते हैं और उसमें डैश लेके रखते हैं और लास्ट मोमेंट में लास्ट में जाके सोचते हैं कि ऑब्जेक्टिव लिखूंगा ये गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है सबसे पहले आपको ऑब्जेक्टिव अटेम्प्ट करना है अगर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बात करें यूनिवर्सिटी ने ऐसा कुछ स्पेसिफाई नहीं किया है कि कौन से क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव्स में क्या आएगा वैसे तो एमसीक्यूज आ सकता है मैच द फॉलोइंग आ सकता है और ट्रू ट्रुअल फॉल्स आ सकता है ये तीन चीजें यूजुअली आपको पूछी जाती है इन योर ऑब्जेक्टिव्स अब लास्ट ईयर के पेपर को अगर हम कंपेयर करें सो दे हैव मैच द फॉलोइंग एंड ट्रू ट्रुअल फॉल्स तो मैच द फॉलोइंग एंड ट्रू ट्रूअल फॉल्स आपको पूछे गए थे और मैच द फॉलोइंग और ट्रू ट्रुअल फॉल्स को आंसर करने करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो है आपका थियोरी अगर आपका थियोरी चीज क्लियर है अगर आपके थियोरी या बेसिक्स ऑफ द टॉपिक क्लियर है तो आपको ऑब्जेक्टिव्स और एमसीक्यू सॉल्व करने में कोई भी प्रॉब्लम्स फेस नहीं होगा दैट इज द रीजन मैं हमेशा कहता हूं कि फोकस ऑन द थियोरी बिकॉज 40 मार्क्स का हम रिस्क लेके जाते हैं 20 मार्क्स आपके ऑब्जेक्टिव्स है एंड रिमेनिंग ट्वेंटी मार्क्स आपका थियोरी क्वेश्चन है जो लास्ट में आने वाला है रेस्ट ऑफ दी पॉइंट्स के बारे में ही नाइनटी नाइन परसेंट स्टूडेंट प्रिपेरेशन करके जाते हैं तो ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है आपको थियोरी पढ़ के जाना है एंड थियरी से रिलेटेड चीजें दिखनी है अब मैं आप थ्योरी exactly में भी डिस्कस करूंगा एक्जैक्टली की क्या क्या चीजें थ्योरी में कवर होनी चाहिए तो क्वेश्चन नंबर वन जो लास्ट ईयर के पेपर में पूछा था दैट वॉज मैच द फॉलोइंग फर्स्ट में आया था एंड मैच द फॉलोइंग के साथ आपको ट्रू और फॉल्स आए थे अभी इसमें स्टूडेंट्स गलती क्या करते करते हैं जो आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है वो आपको हमेशा याद रखना है आप जितना एग्जामिनर के साइड से सोचेंगे उतना आपको एग्जामिनर अच्छे मार्क्स देने के बारे में सोचेगा जो आपको थियोरी में मिलेंगे तो नंबर फर्स्ट आपको मैच द फॉलोइंग रहेगा तो पूरे मैच द फॉलोइंग सारे सीक्वेंस में लिखने हैं मैच द फॉलोइंग में आपको क्वेश्चन लिखना है साइड में उसका आंसर लिखना है राइट right? कुछ बच्चे बहुत स्कूल के टेक्निक्स को यूज करते हैं मैच द फॉलोइंग लिखते हैं ए के मैच द फेयर लिखते हैं बी के मैच द फेयर लिखते हैं ए के ए साइड और बी साइड के कॉलम्स लिखते हैं एंड अकॉर्डिंगली ऐसे लाइन ड्रॉ करते हैं लाइन बिल्कुल भी नहीं करनी है आपको क्वेश्चन लिखना है उसके साइड में उसका आंसर लिखना है और बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखना है कि आपको सारी चीजें लाइन में लिखनी है सीक्वेंस में लिखनी है आपको वन से लेकर ट्वेल्व अगर मैच द फॉलोइंग दिया है तो वन से लेकर ट्वेल्व के मैच द फॉलोइंग सारे लाइन में लिखते जाना है इधर उधर नंबर नहीं करना है सीक्वेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है एंड यू नीड टू फॉलो द सीक्वेंस नंबर सेकंड जो होता है नंबर सेकंड इज योर फॉल्स 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 अब ये जो ये जो आते हैं में भी बच्चे क्या करते हैं फर्स्ट नंबर का ट्रुअल फॉल्स लिखते हैं फिर थर्ड नंबर का लिखते हैं फिर फिफ्थ नंबर का लिखते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं आप फर्स्ट के बाद थर्ड भी लिख सकते हैं लेकिन आपको लाइन से लिखना है और लाइन से लिखने के बाद अगर आप फर्स्ट के बाद थर्ड लिख रहे हो तो आपको नंबर थर्ड ही डालना है आप फर्स्ट के बाद लिखते तो नंबर थर्ड है लेकिन नंबर दे देते हैं टू ऐसा बिल्कुल भी गलती आपको नहीं करनी है

देखने मिल सकता है अगर आपने अच्छी तरीके से थ्योरी लिखा है तो आपको अच्छे मार्क्स थ्योरी में भी मिल पाएंगे ये आपका फर्स्ट पार्ट हुआ तो सबसे पहली चीज़ आपको ऑब्जेक्टिव्स अटेम्प्ट करने हैं उसको खत्म कर देना है उसको लास्ट तक बिल्कुल भी नहीं रखना है वेरी इंपॉर्टेंट जो भी स्टूडेंट्स एमसीक्यूज को लास्ट तक रखेंगे और अगर बाय मिस्टेक आपको टाइम कम पड़ जाए ऐसा कुछ हो जाए कि आपको टाइम कम पड़ रहा है रास्ट में शॉर्ट नोट लिख रहे थे और उतने में अगर टाइम खत्म हो जाए तो आपके ये बीस मार्क के ऑब्जेक्टिव पे बहुत बड़ा रिस्क आ सकता है इसके लिए आपको ऑब्जेक्टिव पहले खत्म कर देना है अब ऑब्जेक्टिव अट, अटेम्प्ट करने के बाद ऑब्जेक्टिव खत्म करने के बाद अब आपको क्या करना है? अब होता है कि सर फिर कौन सा क्वेश्चन पहले अटेम्प्ट करे कौन सा क्वेश्चन तो आप फिर इसमें डिसाइड करेंगे कि एक्जैक्टली exactly आपको कौन से क्वेश्चन को पहले अटेम्प्ट करना है कौन से क्वेश्चन को बाद में अटेम्प्ट करना है तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि जैसे आपके ऑब्जेक्टिव्स खत्म हो जाते हैं उसके बाद आपको आ, क्वेश्चन नंबर टू में जो भी क्वेश्चन आएगा ऐसे तो यूनिवर्सिटी कोई स्पेसिफाई नहीं करता है कि क्वेश्चन नंबर टू में कौन से क्वेश्चन आएंगे लेकिन जो भी आपको कंफर्टेबल लगता है वेदर इट इज क्वेश्चन नंबर टू और वेदर इट इज क्वेश्चन नंबर थ्री अगर आपने अच्छी तरीके से प्रैक्टिस की है तो आपको इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग काफी अच्छी तरीके से आता होगा उसमें हमें फुल मार्क्स मिलने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है तो आपको क्या करना है इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग को पहले अटेम्प्ट कर देना है जैसे ही आप इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग को अटेम्प्ट करेंगे उसको प्रॉपरली सॉल्व करेंगे सारी चीजें प्रॉपरली अटेम्प्ट करेंगे और उसके बाद आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि मेरा एक क्वेश्चन जो है वो हो चुका है और जैसे ही आपका इन्वेस्टमेंट अकाउंट होने के बाद आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा तो दैट विल हेल्प यू कुछ बच्चे क्या करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आपको सबसे पहले क्वेश्चन पेपर देखना है कि सब साइड से प्रिंट हुआ है कि नहीं वो तो देखना है लेकिन बहुत सारे बच्चे क्या कर लेते हैं पहले क्वेश्चन नंबर वन देखेंगे टू देखेंगे थ्री देखेंगे फोर देखेंगे और उस वो सारे क्वेश्चन में उनकी नजर उन्हीं एडजस्टमेंट्स पे जाती है जो उनको आ नहीं रही है वो फिर सोचते रहते मन में अरे क्वेश्चन नंबर टू में ये एडजस्टमेंट आया है थ्री में ये आया डिफिकल्ट है फोर्थ में ये आया डिफिकल्ट है पेपर डिफिकल्ट है और अपने माइंड में तुरंत ये चीजें जाती है कि पेपर डिफिकल्ट है पेपर डिफिकल्ट है और जो आपको आता है वो भी आप अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे आपको आपके मन में ऐसा हो जाएगा कि पेपर डिफिकल्ट है तो इट शुड नॉट हैपन जस्ट लुक एट द क्वेश्चन पेपर वंस वेदर इट इज प्रिंटेड फ्रॉम ऑल दी साइड जस्ट लुक एट दैट स्टार्ट राइटिंग ऑब्जेक्टिव फर्स्ट डू नॉट लुक एट एनी क्वेश्चन जस्ट आपको एक ओवरव्यू लेना है पेपर देखना है बस दैट्स इट आपको क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं देखना है उसके बाद आपको सॉल्व करना है से फॉर एग्जांपल इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग अभी कुछ बच्चे ऐसे कहेंगे सर हमको इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग नहीं आता है हमको सॉल्व करना है हमको सॉल्व करना है इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग नहीं आता है हमको कौन सा आता है हमको आता है बाय तो अगर आपको बाय आता है तो आप बायबैक को पहले सॉल्व करें तो आप बायबैक ही देखेंगे मेरा मेजर पर्पस या मेजर ऑब्जेक्टिव ये है आपको ये बताने का कि अननेसेसरी अननेसेसरी वो क्वेश्चन ना देखे जो देख के आपको डर लग जाए अननेसेसरी वो क्वेश्चन ना देखे जो देख के आपको कंफ्यूजन हो जाए तो आपको वही क्वेश्चन पहले देखना है जो आपको कंफर्टेबली आता है If you are comfortable with internal reconstruction, go with internal reconstruction. If you are comfortable with buyback, go with buyback. If you are comfortable with investment accounting, go with investment accounting. अब हम देखते हैं कि last year के paper में question number टू में क्या आया था तो अभी last year का paper अगर देखे तो last year के paper में question number टू जो था उसके बारे में अगर हम discuss करें तो question number टू में जो question number वन आया था मतलब दो options रहते हैं तो क्वेश्चन नंबर वन आपको आया था फाइनल अकाउंट्स पे अब बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं फाइनल अकाउंट्स ऑप्शन में रख देते हैं ये गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और ये चैप्टर आपको पोस्टिंग के मार्क्स दे सकता है दिस टॉपिक विल गिव यू मार्क्स फॉर पोस्टिंग नाउ दिस चैप्टर कैरीज थ्री इंपॉर्टेंट पॉइंट नंबर वन दे विल आस्क यू ओनली प्रॉफिट एंड लॉस नंबर सेकंड दे विल आस्क यू बैलेंस शीट एंड नंबर थर्ड जो होता है उसमें आपको दोनों चीजें पूछी जाती है जिसमें क्या होता है प्रॉफिट एंड लॉस भी होता है एंड बैलेंस शीट भी होता है दैट इज अ कंबाइंड क्वेश्चन अगर बीस मार्क का कंबाइंड क्वेश्चन आता है और अगर आपका स्पीड बहुत स्लो है तो आप गलती मत करना बिल्कुल भी फाइनल अकाउंट्स अटेम्प्ट नहीं करेंगे आई रिपीटेड अगेन दिस इज फॉर दो स्टूडेंट्स हु आर वेरी मच स्लो इन राइटिंग द पेपर आपका पेपर इनकम्प्लीट रहेगा आपका पेपर कंप्लीट नहीं होगा अगर आप फाइनल अकाउंट्स अगर कंबाइंड क्वेश्चन आ रहा है मतलब उसमें प्रॉफिट एंड लॉस भी है उसमें बैलेंस शीट भी है अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो वो आप अटेम्प्ट नहीं करेंगे उसके ऑप्शन वाला क्वेश्चन देखिए कौन सा है अगर हम लास्ट ईयर के पेपर को कंपेयर करें तो उसके ऑप्शन में बहुत ही इजी क्वेश्चन आया था जिसमें बहुत सारे बच्चों को कॉन्फिडेंस हो सकता है अगर आपने प्रैक्टिस किया होगा और अगर नहीं किया है तो चैनल पे बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी अवेलेबल है वो क्वेश्चन था इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग का तो इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग में दो लेवल्स है नंबर वन शेयर्स का लेवल और नंबर सेकेंड डिवेंचर्स का तो लास्ट ईयर डिबेंचर्स का क्वेश्चन आया था सीधा बीस मार्क्स में एक्स इंटरेस्ट कम इंटरेस्ट कैसे वर्किंग नोट्स बनानी है कैसे उसके लेवल्स है अब मैं यहां पे ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा लेकिन आपको ओवरऑल क्या पढ़ के जाना है वो मैं आपको बता रहा हूं कि इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग में सारी चीजें पढ़नी है मार्केट वैल्यू अगर दिया रहेगा तो आपको किस तरीके से पोस्टिंग करनी है वो भी पढ़ना है एंड शेयर्स का भी पढ़ के जाना है मतलब कि अगर हमारे फाइनल अकाउंट्स में एक ऐसा एडजस्टमेंट आता है या ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें आपको कंफर्टेबल नहीं है दोनों सॉल्व करने के लिए देन वी शुड हैव एन अल्टरनेटिव ऑप्शन टू अटेम्प्ट दी सेकंड क्वेश्चन एंड विच वाज इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग इन द लास्ट ईयर्स पेपर तो लास्ट ईयर्स पेपर में इन्वेस्टमेंट आया था जैसे ही आप ये इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग को खत्म करेंगे जल्द से जल्द ये खत्म होना चाहिए मैक्स टू मैक्स 25 मिनट में आपका खत्म होना चाहिए ज्यादा स्लो मत रखना बिकॉज फाइनेंशियल अकाउंटिंग में बहुत बड़े बड़े टॉपिक्स आपको टॉपिकीन घंटे में सब कुछ खत्म करना है इंक्लूडिंग थियोरी का तो आपको पहले से स्पीड काफी मेंटेन रखना पड़ेगा अगर आप स्टार्टिंग में टाइम पास करेंगे इधर उधर देखेंगे अपने फ्रेंड्स क्या कर रहे हैं वो देखेंगे इनविजिलेटर क्या कर रहा है वो देखेंगे तो लास्ट में आपको टाइम कम पड़ जाएगा जैसे ही पेपर आता है तुरंत आपको ऑब्जेक्टिव्स लिखने हैं दस से पंद्रह मिनट में आपको सारे ऑब्जेक्टिव्स खत्म कर देने देन अगर हम क्वेश्चन देखते हैं तो आपको डिसाइड करना है कि आपको कौन सा करना है क्वेश्चन नंबर टू में लास्ट ईयर के पेपर में क्या आया था फाइनल अकाउंट्स उसके ऑप्शन में आया था इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग तो इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग थोड़ा इजी था तो वो आप अटेम्प्ट कर सकते हैं जैसे इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग आपका अटेम्प्ट हो गया आपको माइंड थोड़ा रिलैक्स हो जाएगा रिलैक्स इसलिए हो जाएगा कि 20 मार्क्स का आपने ऑब्जेक्टिव अटेम्प्ट कर लिया 20 मार्क्स का आपने इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग अटेम्प्ट कर लिया दैट मीन नाउ माइंड विल बी रिलैक्स एंड माइंड कहेगा आपसे कि हां अभी मतलब मैंने चालीस मार्क्स का तो पेपर अटेम्प्ट कर लिया है अभी सिर्फ मुझे सिक्सटी मार्क्स का अटेम्प्ट करना है सो क्वेश्चन नंबर थ्री जो है अब उसके बारे में डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री में क्या पूछा था तो क्वेश्चन नंबर थ्री में सीधा ट्वेंटी मार्क्स का क्वेश्चन आया था दैट वाज ऑन इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन जिसमें आपको बैलेंस शीट पूछी है जिसमें आपको कैपिटल रिडक्शन पूछा है तो कैपिटल रिडक्शन रहे या बैलेंस शीट रहे जर्नल एंट्रीज तो उसका बेस है तो क्वेश्चन नंबर थ्री में आपको

एंड उसके ऑप्शन में दस दस मार्क्स के दो क्वेश्चन पूछ लिए वन वॉस ओनली पी एंड एल प्रॉफिट एंड लॉस एंड अनदर वॉस टेन मार्क्स का टेन मार्क्स का सीधा बायबैक आया है ये है क्वेश्चन नंबर थ्री तो आप आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप दस दस मार्क्स के दो क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं कि डायरेक्टली बीस मार्क्स का इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं अब हम चलते हैं सीधा क्वेश्चन नंबर फोर की तरफ तो क्वेश्चन नंबर फोर में क्या आया था क्वेश्चन नंबर फोर में सीधा बायबैक आया था ट्वेंटी मार्क्स का बहुत इंपॉर्टेंट बहुत इजी आई होप कि आप सभी को बायबैक आता होगा तो क्वेश्चन नंबर फोर में सीधा ट्वेंटी मार्क्स का बायबैक आया है उसके अल्टरनेटिव में दस दस मार्क्स के दो क्वेश्चन पूछे हैं पहला वो इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग से जो शेयर्स का चैप्टर है शेयर्स का वराइटी वो आया है वो भी मैंने चैनल पे ऑलरेडी सॉल्व किया है जिस किसी को भी नहीं आता है वो देख के जाइए आपको 20-25 मिनट लगेंगे लेकिन आपको पूरा शेयर्स का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा प्लेलिस्ट में जाइए फाइनेंशियल अकाउंटिंग की प्लेलिस्ट है उसमें सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग के लाइन से वीडियोज है वो आया था दस मार्क्स का उसके साथ जो दस मार्क्स का क्वेश्चन आया था वो भी इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का था तो इफ यू सी इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग पे बीस मार्क्स का बड़ा क्वेश्चन दस मार्क्स का शेयर्स इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन पे भी 20 मार्क्स का बड़ा क्वेश्चन 10 मार्क्स का छोटा क्वेश्चन इस तरीके से इन्होंने लास्ट ईयर का पेपर जो है वो पूछा था एंड सेम पैटर्न उन्होंने एटी के टी के भी पेपर में फॉलो किया था तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो आपको इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन चैप्टर नंबर वन नंबर सेकेंड इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग चैप्टर नंबर टू और नंबर थर्ड बायबैक ये चैप्टर्स तो आपको परफेक्टली आने चाहिए अगर ये चैप्टर्स आपको परफेक्टली नहीं आते हैं तो फिर आपको कहीं ना कहीं दिक्कत हो सकती है टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन बट यू शुड नो हाउ टू सॉल्व दिस थ्री टॉपिक्स एंड उसके साथ अगर आप फाइनल अकाउंट्स भी थोड़ा बहुत पढ़ के जाएंगे तो वो एक सेफर साइड होगा कभी अगर आपको बीस मार्क का क्वेश्चन के ऑप्शन वाले क्वेश्चन सोल्व करने होंगे तो आपके पास एक अल्टरनेटिव ऑप्शन रहता है फाइनल अकाउंट्स अगर आता होगा तो बिकॉज फाइनल अकाउंट्स को बहुत लोग ऑप्शन में डालते हैं लेकिन आपको ये बिल्कुल भी नहीं भूलना है कि फाइनल अकाउंट ही आपको पोस्टिंग के मार्क्स देता है फाइनल अकाउंट्स एक ऐसा चैप्टर है जिसमें फॉर्मेट अगर आपका क्लियर है तो आप सारे पॉइंट्स को पोस्टिंग कर पाएंगे एंड यू कैन गेट इजीली गुड मार्क्स इन दैट अब ये सारे आपने अटेम्प्ट कर लिए देखो 20 -20 के क्वेश्चन अगर अटेम्प्ट अटेम्प्ट करते हो तो सीधे तीन क्वेश्चन करने हैं एक तो आपका इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग हो गया मार्क्स एक एक तो आपका इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन हो गया बीस मार्क्स एंड एक तो आपका बायबैक हो गया बीस मार्क्स अगर आप ये तीन अटेम्प्ट करते हो तो कितने मार्क्स हो गए आपके सिक्सटी मार्क्स पहले आपने ऑब्जेक्टिव अटेम्प्ट कर लिया है और सीधा लास्ट में जाके आप क्या करोगे लास्ट में जाके आप थियोरी अटेम्प्ट करोगे लास्ट में आप कोई भी ऑब्जेक्टिव्स नहीं रखोगे अटेम्प्ट करने के लिए लास्ट में आपको थियोरी अटेम्प्ट करनी है और मैं आपको कहूँ अगर थियरी में क्या अटेम्प्ट करना है तो नॉर्मली स्टूडेंट्स जानते हैं थ्योरी में आपको हमेशा शॉर्ट नोट्स ही अटेम्प्ट करना है बिकॉज शॉर्ट नोट्स जो होते हैं उसमें हमें ज्यादा मार्क्स मिलने की प्रोबेबिलिटी है तो दैट इज द रीजन आपको शॉर्ट नोट्स ही अटेम्प्ट करने हैं थियरी में बाकी आपको वो ए बी वाले जो दस दस मार्क्स के आते हैं वो अटेम्प्ट नहीं करने हैं सीधे आपको शॉर्ट नोट्स अटेम्प्ट करने है और मैंने चैनल पे ऑलरेडी कुछ शॉर्ट नोट्स इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट अपलोड किए हैं उतने अगर आप पढ़ लोते हो तो आपको फिर ऑब्जेक्टिव के पॉइंट्स भी क्लियर हो पाएंगे और थियोरी में बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं समझो कंडीशंस फॉर बायबैक पूछा तो बायबैक के कंडीशंस तो लिखते हैं फॉर्मेट बाई कर लेते हैं जर्नल एंट्री कर लेते हैं ऐसे आपको बिल्कुल भी नहीं करना है आपको थियोरी मतलब थियोरी लिखना है आपको फॉर्मेट नहीं बनाना है तो ये सारे पॉइंट्स को आप ध्यान रखिए एकदम इजीली जाइए काम होके जाइए बिल्कुल भी डरिए मत फर्स्ट पेपर के बाद आप धीरे धीरे रिलैक्स हो जाएंगे पेपर्स के लिए लेकिन फर्स्ट पेपर होता है तो थोड़ा डर लगता है तो डोंट बी दैट मच पैनिक पैनिक बिल्कुल भी नहीं होना है और हमेशा याद रखना है कि फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन ऐसा कहते हैं राइट right? तो फर्स्ट आपको वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है जिससे जिस पे आपको कॉन्फिडेंस हो कि मेरा ये राइट right है बिकॉज एग्जामिनर आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है उस पे ही देख लेता है कि ये बच्चे को क्या आता है और क्या नहीं अगर पहला ही क्वेश्चन में आपने गड़बड़ कर दिया पहले ही क्वेश्चन में आपने गलती से गलत अटेम्प्ट कर लिया तो आप पता चल जाता है कि ये बच्चा का लेवल क्या है ये बच्चा क्या पढ़ता होगा और आगे जाके वो सारे क्वेश्चंस में उसका इफेक्ट दिखता ही है तो ये एक ऑब्जर्वेशन है तो इस तरीके से आप पहला क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से अटेम्प्ट करिए और ये सारे पॉइंट्स को आप ध्यान रखिए और सिली मिस्टेक्स को अवॉइड करिए जितने भी एडजस्टमेंट्स होते हैं जितनी भी चीजें होती है मैंने एक फास्ट ट्रैक रिवीजन का सीरीज भी लिया था उसमें मैंने काफी सारी चीजें बताई है वो भी आप इसके बाद देखिए ये सारे पॉइंट्स को अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपका कल का पेपर जो है काफी अच्छा जाएगा सभी को पेपर अच्छा जाएगा और बिलीव करके जाइए कि पेपर विल बी वेरी इजी पेपर विल बी वेरी इजी पेपर इज इज़ी ऐसा समझ लो और पेपर काफी इजी ही होता है लेकिन हमें अटेम्प्ट करते वक्त कुछ चीजें नहीं आती है तो हम उसको डिफिकल्ट कह लेते हैं तो पेपर सारा इजी होता है अगर आप प्रॉपर पढ़ाई करेंगे तो आपके लिए पेपर बिल्कुल इज़ी होगा आई होप कि आप सभी को पेपर अच्छा जाए जो बिल्कुल अच्छी तरीके से जाएगा विश यू ऑल द बेस्ट फॉर टुमोरोज पेपर अब हम मिलेंगे कल शाम को छह बजे जिसमें हम कॉस्टिंग में क्या क्या चीजें रिवाइज करनी है क्या क्या चीजें पढ़नी है और लास्ट ईयर का पेपर पैटर्न कैसे आया था वो भी डिस्कस करेंगे आई होप कि ये इनिशिएटिव आपको अच्छा लगा है अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें फ्रेंड्स पर शेयर करें और चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब का बटन दबा के ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करें बिकॉज कल का वीडियो आपको टाइम पे मिलना चाहिए थैंक यू वेरी मच मैं मिलता हूं आपको कॉस्टिंग के रिविजन के साथ बाय बाय टेक केयर